हेलो दोस्तों, लोकी, टीवीए और मॉर्बियस की कॉमिक्स ओरिजिन डाल दी है। आप उसे देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वो कैसी लगी। आज हम लाए हैं लोकी सीरीज के एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की ओरिजिन, जो कि हमें एमसीयू की आने वाली मूवी एंट मैन एंड क्वांटमिनिया में दिखने वाला है। तो देर नहीं करते हैं, मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं द मल्टीवर्स एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, आज हम लाए हैं कैंग द कॉन्करर की कॉमिक्स ओरिजिन स्टोरी। वैसे तो कैंग द कॉन्करर मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहले दिखाई दिया था फैंटास्टिक फोर की कॉमिक्स में 1963 इशू नंबर 19 में, पर इसकी नॉर्मल जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1964 द एवेंजर्स इशू नंबर 8 में। वैसे मैं आपको बता दूं, कैंग द कॉन्करर 38th सेंचुरी से बिलोंग करता है और इसका असली नाम था नेथेलियन रिचर्ड्स। मार्वल कॉमिक्स में इसे थोड़ा कंफ्यूजन में रखा गया है। इसके नाम में रिचर्ड होने के कारण इसे डॉक्टर रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक का वंशज माना जाता है, पर कैंग अपने आप को डॉक्टर वॉन डूम का भी वंशज मानता है। कैंग की स्टोरी स्टार्ट होती है 30th सेंचुरी में, और जहाँ पे ये बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, पर इसके हाथ डॉक्टर वॉन डूम की टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी लग जाती है। अब ये इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है और ट्रेवल करता है एंशियंट इजिप्ट में। अब क्योंकि ये फ्यूचर से था, तो उसने अपने टेक्नोलॉजी को यूज करके वहाँ के लोगों को साबित कर दिया था कि वे भगवान हैं, और वो बन जाता है इजिप्ट का राजा और उसका नाम पड़ जाता है फिरों रामाटट। पर ये ज्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर वहाँ पहुँच जाते हैं और उसका खेल खत्म कर देते हैं, और वो वहाँ से भागने पे मजबूर हो जाता है। वो फिर से टाइम ट्रेवल करता है और रास्ते में टाइम स्टॉर्म पड़ने के कारण वो 20th सेंचुरी में पहुँच जाता है। 20th सेंचुरी में पहुँचने के बाद वो डिसाइड करता है कि अपने आइडल डॉक्टर वॉन डूम से इंस्पायर होकर के अपने लिए कॉस्ट्यूम बनाता है और अपने आप को एक नया नाम देता है, जिसका नाम था स्कारलेट सेंचुरियन। पर ये भी ज्यादा दिन नहीं चल पाता है और वो अपने रियल टाइम लाइन 38th सेंचुरी को जाने लगता है, पर फिर से टाइम ट्रेवल के दौरान टाइम स्टॉम्प में फंस कर वो फिर पहुंच जाता है 48th सेंचुरी यानी 1000 साल आगे। जैसे वो 48th सेंचुरी पहुंचता है, तो वो देखता क्या है कि वहां पे जंग चल रही है। ये जो दुनिया थी वो बर्बादी के कगार पे थी और खत्म होने ही वाली थी। तो कैंग वहाँ ओल्ड टेक्नोलॉजी वेपन को मॉडर्न कर इस दुनिया को कब्जा करता है। इस दुनिया पे कब्जा करने के बाद अब वो अपना कब्जा गैलेक्सी तक पहुंचाता है और अब वो अपना नाम डिक्लेयर करता है कैंग द कॉन्करर। पर उसका मन भरता नहीं है, क्योंकि वो चाहता था एक नॉर्मल टाइमलाइन पे राज करना चाहता था। अब नॉर्मल सी बात है कि उसकी ऐसे इंटेंशंस के कारण वो नॉर्मल विलन तो हो नहीं सकता, एक सुपर विलन ही कहलाएगा। हालांकि हमें लोकी सीरीज में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है, पर आने वाली मूवी एंटमैन एंड द क्वांटमिनिया में हम देखेंगे कि आगे इसका रोल क्या दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके पावर्स एंड एबिलिटी की। वैसे तो कॉमिक के अकॉर्डिंग कैंग के पास कोई सुपर पावर तो नहीं है, पर ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, पर वो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से यूज कर सकता है और उसको मैनिपुलेट कर सकता है। इस वजह से वो कई सुपर हीरो को मात दे चुका है। अब हम बात करते हैं उसके सूट की। जिसका जो बैटल आर्मर है वो रेयर सिंथेटिक एलॉय का बना हुआ है, जो कि 48th सेंचुरी से न्यूरोकाइनेटिक रिस्पॉन्स पर चलता है, यानी ये सूट उसकी सोच और रिस्पॉन्स पर चलता है, और इस सूट की मदद से वो 5 टन तक का वजन उठा सकता है। इस सूट की मदद से वो फोर्स फील्ड बना सकता है, जिसे वो 20 फीट तक फेंक सकता है। वैसे तो इस सूट में काफी सारे वेपन्स भी हैं, पर सबसे अच्छी बात इस सूट की ये है, इसकी मदद से वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। इस सूट की मदद से वो अपनी कॉन्शियसनेस को दूसरी बॉडी में भी ट्रांसफर कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।